हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपनी रक्षाबंधन की कुछ अच्छी सी यादें। तो ये वीडियो मेरा रक्षाबंधन पर ही है, तो इसके लिए रक्षाबंधन से पहले ही कुछ तैयारियां हुई और रक्षाबंधन के दिन मैंने क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थाली बनाई है सौम्या ने अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन के लिए, और एक दिन पहले मैंने बनाई ये बालूशाही और ये लड्डू जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पनीर के लड्डू, लेकिन उसमें एक ज़रा सा ट्विस्ट मैंने किया। तो मिक्सचर वही है पनीर के लड्डू वाला, बस पनीर कम है और खोआ ज़्यादा है इसमें। उसके साथ लिया है मिल्क पाउडर और ये है पनीर और ड्राई फ्रूट्स और केसर, पिस्ता, बादाम, ये सब मिलाकर एक मिक्सचर। और गार्निशिंग के लिए लिया है बादाम जो कि केसर और केवड़ा जल में भिगोए हुए हैं। तो इस मिक्सचर को पेड़े के रूप में लिया और जैसे कचौड़ी भरते हैं उस तरह सा एक एक बीच में होल बनाया और उसमें ये मिक्सचर को डाला और इस तरह से रोल करते हुए राउंड शेप में इसे लड्डू के आकार का बना लिया। और ऊपर से इसमें आप लगाएं मिल्क पाउडर, अगर आपको ज़्यादा कोटेड चाहिए तो आप ज़्यादा लगाएं या फिर अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पहले दो एक में थोड़ा ज़्यादा लगाया फिर कम लगाया है जिससे कि हाथ में एक चिपचिपापन ना आए खोए का इस वजह से, और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू तैयार हो गया। तो इस मिक्सचर में जो मैंने इसमें फिलिंग बनाई है इसमें है पनीर और चीनी पाउडर, मिल्क पाउडर और इसके अलावा है इलायची, केवड़ा जल, केसर और ड्राई फ्रूट्स जो भी आप चाहें। मैंने डाली है इसमें किशमिश, बादाम और पिस्ता। तो बस बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई तैयार हुई है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो इसे अगर मैं आपको कट करके इसके अंदर की फिलिंग दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। केवड़ा जल और केसर का कलर बहुत ही सुंदर और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो एक टेस्टी मिठाई तैयार है रक्षाबंधन के लिए। तो दो मिठाइयाँ मैंने घर पर ही बनाई और रक्षाबंधन के दिन रेडी की है। ये थाली डेकोरेट की है रक्षाबंधन के लिए। तो प्लेट लिया, पहले तो बिछा ली न्यूज़पेपर और उसके ऊपर ये प्लेट मैं जिसमें सजाने वाली हूँ इस पे लगाया है ऑयल या घी, आप जो चाहें लगाएं। मैंने तिल का तेल लगाया है इसमें और उस पे छिड़क लिया है अच्छी तरह से हल्दी का पाउडर। तो पाउडर ऐसा छिड़कें कि हर तरफ ये पहुँच जाए और इस तरह से हिलाते हुए पाउडर को हर तरफ फैला लें। हाथ कोशिश करें कि ना टच करें, लेकिन मैंने चूँकि लगा दिया था हाथ तो हाथ में भी कुछ ऑयल लगा रहता है, इस वजह से हल्दी हाथ में चपकने लग जाती है। तो अगर आप हाथ लगाएं भी तो ऐसा ही करें कि वो थाली पे टच ना हो, थाली के सतह पर केवल हल्दी तक ही टच हो। इस तरह से फैलाते हुए आप पूरे में हल्दी को लगा लें हर तरफ प्लेट पर। आप ये काम रोली से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हल्दी ज़्यादा अच्छी लगी, पूरा पीला कलर अच्छा लगा। और बीच में मैं बना रही हूँ प्लेट के सेंटर पर ये स्वास्तिक, तो उंगली से स्वास्तिक बना लें। और भी जो डिज़ाइन आप चाहें इस पे ड्रॉ कर सकते हैं उंगलियों से या किसी भी पतली डंडी की मदद से। मैंने केवल सिंपली यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाया है और इस जो लाइन मैंने ड्रॉ की उस पर मैं लगा रही हूँ ऑयल उंगलियों से ही थोड़ा, जिससे कि इस पर रोली अच्छे से चिपक जाए। और ये है रोली पाउडर, इसे मैंने इसमें बीच में पूरा भर लिया है। चाहे आप उंगली की मदद से भरें या किसी स्पून या कटोरी की मदद से भर लें इसे। तो जहाँ जहाँ पर नहीं लगा है वहाँ पर मैं उंगली से भर ले रही हूँ इसे। और आप स्पून या कटोरी से डायरेक्ट भी इस तरह से डाल सकते हैं, तो तेल पर ये रोली चिपक जाती है और जहाँ पर नहीं लगा है वहाँ उंगलियों से या और भी थोड़ा कायदे से लगा लिया। फिर उसके बाद इसे हिलाते हुए हल्के हाथों से आप थोड़ा सा थपकी दे देंगे पीछे से, तो एक्स्ट्रा रोली और एक्स्ट्रा हल्दी जो भी रहती है वो निकल जाएगी और जो चिपकनी है उस पर वो चिपकी रहती है। तो बहुत ही अच्छा ये बन जाता है, थाली बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गई। और इसके बाद मैंने
थोड़ा सा उंगलियों से ही डॉट बना दिया है इसमें, तो नीचे से सिल्वर कलर दिख रहा है। आप चाहें तो इसे इस तरह से ड्रॉ कर कोई भी डिज़ाइन इस पर कोई कलरफुल मोती या फिर कांच चिपका सकते हैं फेविकोल के मदद से। तो मैंने बस केवल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, हल्का सा ही कर लिया। यही बहुत सुंदर लग रहा है। और इस पर रखा फिर प्रसाद के लिए। मैं अभी भगवान की थाली तैयार कर रही हूँ, पहले भगवान को राखी बांधने के लिए। तो लगा लिया है दीपक और यहाँ पर लगा लिए कुछ ताजे फूल। प्रसाद के लिए ये मिठाई और मेवे और रोली, अक्षत और राखी। तो दो मिठाइयाँ मैंने घर पर बनाई हैं, लेकिन चूंकि इसका भोग मैं कल ही लगा चुकी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा ताज़ी बनाई। और ये है मेरे हाथों की मेहंदी जो कि सौम्या ने रचाई है। बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगी है। एक दिन पहले ही सौम्या से मैंने लगवाई मेहंदी और मैं रेडी हूँ बिल्कुल रक्षाबंधन के लिए। और पूरा सब कुछ तैयार है यहाँ पर, राखी की थाली और सारी चीज़ें। बस अब फिर शुरू हुआ रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम। साल भर बहनों को और भाइयों को इस त्यौहार का इंतज़ार रहता ही रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये त्यौहार। और बालूशाही को मैंने गार्निश किया है, देखिए, पिस्ता और इलायची पाउडर से। और ये है हमारी रक्षाबंधन की थाली, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये सौम्या ने जो थाली तैयार की है उसमें रखी गई हैं राखियाँ। वीडियो में ज़्यादा ले नहीं पाई हूँ, केवल पिक्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मौके पे सब चीज़ होने लगती है तो वीडियो लेना ध्यान नहीं रहता है। तो ये देखिए हमारी कुछ पिक्स हैं रक्षाबंधन की। तो ये मेरे बड़े भैया हैं और एक छोटा भाई भी है, वो बाहर है। और उसके अलावा भी बहुत से भाई हैं जो बाहर हैं, पास में नहीं हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, सारे भाइयों और बहनों को। ये त्यौहार हमारे जीवन में ऐसे ही खुशियां लेकर आता रहे। भाई के साथ बांधी भतीजे को भी राखी और भाभी को भी। और ये हैं भाई बहन, दिन में 10 बार लड़ने वाले लेकिन एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले। आज के दिन तो हर भाई बहन का अलग ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है इस त्यौहार पर। तो आपको कैसा लगा सौम्या की बनाई रक्षाबंधन पर ये पेंटिंग और मेरी थाली डेकोरेशन का ये आइडिया, और सौम्या की बनाई गई थाली के डेकोरेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें जिससे सब्सक्राइबर्स थोड़ा बढ़ें। और मिलेंगे फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।